एक्सप्रेस। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविटी। इस चैप्टर का नाम इंटरमीडिएट से ही सुनते आ रहे होंगे एंड वी नो दैट रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फेनोमेनन, क्योंकि दो तरह का न्यूक्लियर फिजिक्स में होता है, एक एटॉमिक फिजिक्स, दूसरा न्यूक्लियर फिजिक्स। एटम में क्या होता है, ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जब हम लोग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का स्टडी करते हैं तो सब्जेक्ट इज स्टडीड अंडर द हेडिंग ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, और जब हम सिर्फ न्यूक्लियस का स्टडी करते हैं तो सब्जेक्ट इज स्टडीड अंडर द हेडिंग ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं रहता है, लेकिन उसी तरह से एटॉमिक फिजिक्स में न्यूक्लियस का कोई विशेष रोल नहीं रहता है, विशेष परिस्थिति को छोड़कर। तो इस रेडियो एक्टिविटी में हम लोगों को सिलेबस के अनुसार पढ़ना है पहले स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, और उसके बाद फिर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, मीन एंड हाफ लाइफ, ये सिलेबस में देखोगे यही लिखा हुआ है। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो पाते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। अगर दो प्रोटॉन को किसी खास दूरी पर न्यूक्लियस के अंदर कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हम कैलकुलेट करें, इसी तरह उन्हीं दोनों प्रोटॉन के अंदर एक खास दूरी पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैलकुलेट करें, तो हम पाएंगे कि ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन्स, उसका वैल्यू अबाउट 10^36 टाइम्स ग्रेटर होता है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम टू प्रोटॉन्स। इससे तो लगता क्या है कि न्यूक्लियस को स्टेबल होना ही नहीं चाहिए। इतना अधिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन्स होता है कि न्यूक्लियस को तो टियर ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस स्टेबल होता है, ये तो फैक्ट है। तब वैज्ञानिकों ने सोचा और कहा कि एक फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसका नाम रखा गया न्यूक्लियर फोर्स। और वह न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, वह अबाउट 100 टाइम्स अट्रैक्टिव होता है देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द प्रोटॉन्स, और उसी न्यूक्लियर फोर्स के चलते न्यूक्लियस स्टेबल होता है। इसी बात को हम यहां पर लिखे हुए हैं कि सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज एक्सट्रीमली लार्ज एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, व्हिच इंप्लाइज दैट न्यूक्लियस कैन नॉट बी स्टेबल। The stability of nucleus has been explained on the basis of the existence of a third type of force inside the nucleus called nuclear force. It is such a strong attractive force that Coulomb's repulsive force between protons is unable to tear off the nucleus. अब इस stability of the nucleus का तो कुछ factor जरूर होगा जो कि responsible होगा, तो factors responsible for the stability of न्यूक्लियस, ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सब जो फैक्ट्स पाया गया उसी को पॉइंट वाइज लिखा गया है। क्वेश्चन यही रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो पॉइंट वाइज हम चलते हैं। नंबर वन पॉइंट है, द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज डिटरमिंड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी को हम बीई से अब हम लिखेंगे, बी फॉर बाइंडिंग, ई फॉर एनर्जी। Higher the value of the binding energy per nucleon, more stable the nucleus is. Number two factors. The stability of nucleus is also determined by its neutron to proton ratio. Neutron proton होते हैं ना? उस ratio पर भी stability depend करता है. In general, for stable nuclei, neutron to proton ratio should be greater than 1. जिस nucleus का neutron to proton ratio 1 से ज्यादा बड़ा होगा ना, वो ज्यादा stable होगा. Number three. Apart from the high values of binding energy per nucleon and a proper neutron-proton ratio,
द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज डिटरमिंड, यह भी तरीका है, बाय कंसिडरेशन, क्या कंसिडर करने से, वेदर इट इज एन नंबर वन इवन इवन न्यूक्लियस. व्हाट डू मीन बाय इवन इवन न्यूक्लियस? वैसा न्यूक्लियस जिसमें इवन प्रोटोन नंबर और इवन मास नंबर हो, या और नंबर टू इवन ऑड न्यूक्लियस, सेम एक्सप्लेनेशन, इवन जेड एंड ऑड ए, और ऑड इवन न्यूक्लियस मींस ऑड जेड एंड इवन ए, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसका प्रोटोन नंबर ऑड हो लेकिन मास नंबर ए हो, ए इज मास नंबर, ए इज प्रोटोन नंबर. और नंबर फोर ऑड न्यूक्लियस, ऑड न्यूक्लियस मींस ऑड जेड एंड ऑड ए. It is found that, and it is found that an even even nucleus, it is found that an even even nucleus is more stable. जो even even nucleus होता है वह बहुत ज़्यादा stable होता है. Even if it has comparatively low value of binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon कम होने पर भी even even nucleus more stable होता है. इसी तरह से एन इवन ऑड और एन ऑड इवन न्यूक्लियस इज फाउंड टू बी लेसर स्टेबल, उससे कुछ कम स्टेबिलिटी उसकी होती है. व्हाइल द ऑड ऑड न्यूक्लियस इज फाउंड टू बी लीस्ट स्टेबल, उसका ऑड ऑड न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी सबसे कम होता है. दिस इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. नाउ we are going to explain about law of radioactive decay. To the record. हाँ, अब हम लोग law of radioactive decay पढ़ेंगे. मतलब radioactivity में होता क्या है? Nucleus से proton, neutron transform करके alpha, beta, gamma ray के रूप में निकलता है. ठीक है? और alpha decay क्या होता है? Beta decay क्या होता है? Gamma decay क्या होता है? एक-एक कर हम लोग को पढ़ना है. यानी कि जिस न्यूक्लियस से रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा रे निकलेगा तो उसमें प्रोटोन न्यूट्रॉन की संख्या कम बेसी होते रहेगा, तो वह एक नियम के अनुसार होता है. और ऐसा है, इसको दिमाग में रख लो कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोन और न्यूट्रॉन है, किस प्रोटोन, कौन सा प्रोटोन या कौन सा न्यूट्रॉन डीके करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, वह कोई नहीं बता सकता. उसके लिए कोई लॉ नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन द लॉ ऑफ चांस. एक चांस है कि कौन करेगा, वह प्रोबेबिलिटी से निकाला जाता है. दैट इज अनदर थिंग. जैसे इसका लॉजिक है, सिंपली बहुत सिंपल लॉजिक है. ऐसा सोच सकते हो कि जो भी जन्म लेता है उसका एक दिन अंत होता है, लेकिन किस प्राणी का अंत कब होगा यह कोई नहीं जानता है. इट डिपेंड्स अपॉन लॉ ऑफ चांस, बहुत सा फैक्टर है. उसी तरह से रेडियो एक्टिविटी में भी होता है. तो इसके दो लॉ है, रेडियो एक्टिव डीके के दो लॉ है. नंबर वन क्या है? इन रेडियो एक्टिविटी इमिटिंग पैरेंट न्यूक्लियस, जिसमें से डीके होगा उसको हम पैरेंट न्यूक्लियस कहेंगे, और डीके होने के बाद जो नया न्यूक्लियस फॉर्म होगा उसको हम डॉटर न्यूक्लियस कहेंगे, ऐसा नाम दिया गया है. तो इन रेडियो एक्टिविटी इमिटिंग पैरेंट न्यूक्लियाइड ट्रांसफॉर्म इनटू ए न्यू डॉटर एलिमेंट. द डॉटर एलिमेंट अगेन इज रेडियो एक्टिव, वह स्टेबल नहीं होगा. वह भी रेडियो एक्टिव अगर है तो क्या होगा, वह भी डिसइंटीग्रेट करेगा. रेडियो एक्टिव एंड डिसइंटीग्रेट कंटिन्यू, कब तक चलेगा यह क्रिया? टिल द ओरिजिनल एक्टिव पैरेंट न्यूक्लियाइड गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए स्टेबल न्यूक्लियाइड. जब तक न्यूक्लियस स्टेबल नहीं हो जाएगा तब तक डिसइंटीग्रेशन होता जाएगा. और यह स्टेबल न्यूक्लियाइड कौन होता है? यूजुअली लेड, सीसा, जिसका सिंबल क्या होता है? पीबी. यह फर्स्ट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है. दूसरा लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर एनटी ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट. एक्टिव न्यूक्लियाइड्स कैसे? उसमें डीके के बाद जो बचा है एक्टिव होगा उसको एक्टिव न्यूक्लियाइड कहेंगे. प्रेजेंट इन द सैंपल,
अंडर स्टडी एट दैट इंस्टेंट। तो रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एंटी ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट इन द सैंपल अंडर स्टडी एट दैट इंस्टेंट। जैसे आजकल चल रहा है ना कि अभी कोरोना का जो है इतना एक्टिव केस है, इतना केस ठीक हुआ, तो एक्टिव माने जो जिसमें पाया गया। तो ये जस्ट एग्जांपल के तौर पर हमने कहा कि द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर एमटी ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट इन द सैंपल अंडर स्टडी एट दैट इंस्टेंट। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे कहेंगे दैट इज माइनस डी एन टी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एन टी। और सिंपल है, डी एन टी बाई डी टी इक्वल टू माइनस लैम्डा एन टी, वेयर एन टी क्या है, द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट इन द सैंपल एट एनी इंस्टेंट टी, और लैम्डा प्रोपोर्शनल टी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, और इस कॉन्स्टेंट लैम्डा का नाम दिया गया डीके कॉन्स्टेंट। नेगेटिव साइन क्यों हम दिए हैं, नेगेटिव का फिजिकल सेंस है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एंटी डिक्रीजेस विद टाइम। अब उस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको वैसे लिख सकते हैं, इसको यहां ले जाएंगे तो ये यहां चलाएगा, तो डी एन टी बाई एन टी इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो इसको इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगा, लॉग टू द बेस ई एन टी, और डी टी का इंटीग्रल वैल्यू टी होगा, तो माइनस लैम्डा टी प्लस ए, वेयर व्हाट इज ए, ए इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मैथमेटिकली आया, अब फिजिक्स के अनुसार इसे ए का वैल्यू निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, एट टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल टाइम में एन टी बराबर क्या है एन जीरो, एन जीरो क्या होगा मेरा, द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, शुरू शुरू डीके के पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वह एन जीरो है, टी जीरो एन टी एन जीरो बैठाएंगे हम, इसको अगर हम बैठाएंगे तो हम लोग पाएंगे कहां बैठाएंगे, यहां पर बैठाएंगे, तो ए का वैल्यू हम पाएंगे लॉग टू द बेस ई एन जीरो। अब ए का वैल्यू यहां बैठा दें तो यह इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन यही ना हो जाएगा, therefore log to the base e nt by n0 equal to minus lambda t। और इसको हम दोनों तरफ अब हम एक्सपोनेंशियल लेंगे, तो log का एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये हो जाएगा nt by n0, और ये हो जाएगा e to the power minus lambda t, therefore finally हमने लिख दिया nt दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेने से nt बराबर हो गया n0 e to the power minus lambda t, जहां एन टी क्या है, एन जीरो क्या है, लैम्डा क्या है, सब यहां पर व्यक्त किया जा चुका है, पढ़ो ध्यान से। इसको इक्वेशन नंबर वन मान लिया, यह जो इक्वेशन वन है ना, इसी को कहते हैं इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके लॉ। यह लॉ मैथमेटिकली क्या शो करता है, अगर इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो हम पाएंगे कि इट शोज दैट अकॉर्डिंग टू डीके लॉ एन इनफाइनाइट टाइम इज थ्योरेटिकली नीडेड, अनंत समय लगेगा फॉर द रेडियो एक्टिविटी टू डिसअपीयर कंप्लीटली। तो यह तो बड़ा माने अजीब तरह का कंसेप्ट आ गया कि अनंत समय लगता है उसको पूरी तरह से रेडियो एक्टिविटी को डिसअपीयर करने में, विच इंडिकेट दैट, इसका मतलब कोई सेंस है यहां, और वह सेंस क्या है मेरा, विच इंडिकेट दैट ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर द सेम, इसका मतलब सभी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को अनंत समय लगेगा टोटली डिसअपीयर होने में, तो इसका मतलब सब रेडियोएक्टिव एलिमेंट सेम है, जबकि सब रेडियोएक्टिव एलिमेंट सेम नहीं है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां कहा गया है कि सो टू डिस्टिंग्विश वन रेडियोएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अनदर ए क्वांटिटी कॉल्ड हाफ लाइफ is used। तो अब हमारा आया कि हाफ लाइफ क्या होता है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रेडियोएक्टिव डीके लॉ से यह कंक्लूजन निकला था कि हर रेडियोएक्टिव एलिमेंट को इनफाइनाइट टाइम लगेगा पूरी तरह से डिसअपीयर होने में। इससे ऐसा लगता है कि सभी के सभी रेडियोएक्टिव एलिमेंट सेम होते हैं, लेकिन सेम तो नहीं होते हैं, और उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक नया टर्म बनाया गया, उसका वैल्यू निकाला गया, जिसे कहा गया हाफ लाइफ। तो
तो व्हाट इज हाफ लाइफ? द हाफ लाइफ का डिफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई टू डीके टू वन हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल नंबर. उसका जो ओरिजिनल नंबर है उसका आधा डीके करने में जो समय लगेगा वही हाफ लाइफ कहलाएगा उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का. जैसा नाम है उसी तरह का परिभाषा हुआ. तो पहले अब हम लोग निकालेंगे रिलेशन बिटवीन डीके कॉन्स्टेंट जो लैम्डा है एंड हाफ लाइफ. परिभाषा अनुसार इनके बीच का रिलेशन क्या होगा. तो रेडियो एक्टिव डीके लॉ ही है ना, सिंस एन इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. अब व्हेन एन इक्वल टू एन जीरो बाई टू माने ओरिजिनल का आधा एन हो गया उस समय अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन टाइम क्या लगेगा उसी टाइम को हम टी हाफ करते हैं. हाफ लाइफ को हम लोग कैपिटल टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एन के जगह एन जीरो बाई टू पुट करो और स्मॉल टी के जगह टी हाफ पुट करेंगे तो यह मेरा क्या बन जाएगा. एन एन के जगह एन जीरो बाई टू दिस इज इक्वल टू एन जीरो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी के जगह टी हाफ पुट कर दिए और वन बाई टू एन जीरो कैंसिल आउट तो वन बाई टू बराबर क्या हो गया ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी हाफ और 2 बराबर क्या हो जाएगा तब 1 बाई टू इन्वर्स करेंगे तो 2 और इसको इन्वर्स करेंगे तो e टू द पावर लैम्डा टी हाफ. अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो लॉग टू द बेस e 2 बराबर इसका लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा टी हाफ लॉग e लॉग e का वैल्यू 1 होता है और बेस e को बेस 10 करने के लिए इस मैथमेटिक्स का रूल है 2.2036 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस e इज कन्वर्टेड इनटू बेस 10 log 10 2 और इक्वल टू क्या हो गया ये तो 1 हो गया तो लैम्डा टी हाफ और log 10 2 का वैल्यू log टेबल से देखकर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.693 लैम्डा टी हाफ लैम्डा टी हाफ. तो इट इज वेरी क्लियर दैट टी हाफ बराबर क्या हो गया मेरा 0.693 बाय लैम्डा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन डीके कॉन्स्टेंट एंड हाफ लाइफ. क्या कंक्लूजन आया दैट इज हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. फिर सिंस एन इक्वल टू एन जीरो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी रेडियो एक्टिव डी के लॉ है. अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे एट टाइम टी इक्वल टू जीरो टी को जीरो पुट करेंगे तो एन बराबर क्या आ जाएगा एन जीरो. इसको हम एन जीरो कैसे लिख सकते हैं एन जीरो वन बाई टू टू द पावर जीरो. किसी भी चीज का पावर जीरो वन होता है एन इक्वल टू एन जीरो या एन जीरो वन बाई टू. इसको एक ऑर्डर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं. इसी तरह से आप टाइम बढ़ाते रहो वन टी इक्वल टू टी हाफ वन वन इंटू टी हाफ वैल्यू पुट करके देखो यहां एन इक्वल टू यही आएगा. अब इसको हम लिख सकते हैं एन जीरो वन बाई टू टू द पावर वन. इसी तरह से टी इक्वल टू टू टी हाफ हाफ लाइफ का डबल तो n हो जाएगा n 0 बाई 4 पुट करके देखो तो इसको हम 1 बाई 4 हम ऐसे लिखें n 0 1 बाई 2 का स्क्वायर. फिर इसी तरह से t इक्वल टू 3 टाइम्स t हाफ तो n हो जाएगा n 0 बाई 8 इसको लिख सकते हैं n 0 1 बाई 2 टू द पावर q एंड सो ऑन 4 t हाफ 5 t हाफ एंड सो ऑन. तो इसीलिए 1 2 3 4 करते करते n तक चले n इज इंटीजर नंबर. When t equal to n t half, value put करके देखो यही आ जाएगा n equal to n zero one by two to the power n. यह relation हमको क्या देता है? This relation gives the number of nuclei left after n, where n is an integer number, n half leaves. This relation gives the number of nuclei left after n half leaves, where a small n मेरा क्या है? यह है ए स्मॉल टी बाई टी हाफ. ए स्मॉल टी क्या है लेंथ ऑफ टाइम माने टोटल टाइम
जितना समय तक वो डिके किया, डिवाइडेड बाय टी हाफ क्या है मेरा हाफ लाइफ। इसके बाद यहां पर देखना है, यहां स्टार बना है, इस स्टार का मीनिंग ये है, एंड लेंथ ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ हाफ लीव्स अकर्ड ओवर द टाइम इंटरवल टी, दिस इज द नंबर ऑफ हाफ लीव्स अकर्ड, इसी का इक्वल टू यहां लिखा हुआ है वैल्यू, जगह नहीं था इसलिए, नंबर ऑफ हाफ लीव्स अकर्ड ओवर द टाइम इंटरवल स्मॉल टी। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस ग्राफ को हम यहां पर रिप्रेजेंट किए हैं, प्लॉट किए हैं यहां पर, लेकिन लिखे हैं उसके बारे में यहां पर, द प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अलोंग वाई एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अलोंग एक्स एक्सिस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ हाफ लीव्स, इन टर्म ऑफ नंबर जितना हाफ लीव्स हुआ, इज शोन इन फिगर, इन दिस फिगर। इस डाटा से ग्राफ खींचा गया है जहां एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में क्या है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। तो द ग्राफ इज एज शोन इन द फिगर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ हाफ लीव्स इज शोन इन फिगर। इस फिगर को यहां से ये फिगर प्लॉट कर लेना। दिस इज ऑल अबाउट अवर हाफ लाइफ। आज हम यहीं पर रोक रहे हैं अपने लेक्चर को, नेक्स्ट डे हम मीन लाइफ शुरू करेंगे और साथ साथ अल्फा डी के, बीटा डी के, गामा डी के बारे में पढ़ेंगे जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है। तो आज मीन लाइफ न करके आज हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं आज का क्लास। नेक्स्ट डे मीन लाइफ से मेरा क्लास शुरू होगा इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।